मम्मी पापा मैंने शादी कर ली और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मेरे ऊपर किसी ने कोई दबाव किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला है। तो आप भी खुश रहो। मैंने इस लड़के से शादी की है, देख इससे शादी की है। और आप मेरी टेंशन मत लेना, ये मुझे हमेशा खुश रखेगा। हमें लगभग 11-12 साल हो गए, मैं इसके साथ ही हूँ तब से। बस मैंने अपना बयान दिया है, मेरा बयान वही रहेगा। आप लोग सोचोगे कि आप लोग आओगे और मेरे को ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अब मेरा जो भी अभी यही है और यही रहेगा, मेरे को इसी के साथ रहना। तो आप मेरे ऊपर दबाव डालोगे या कुछ करोगे, ऐसा कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। और कल को आप ऐसा कदम मत उठाना जिससे मेरे पति को कुछ हो जाए, क्योंकि मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगी। अब मेरा जो भी है, अब मेरा यही है और यही रहेगा हमेशा। तो आप भी टेंशन ना लो, मैं बहुत खुश रहूंगी इसके साथ और हमेशा बहुत खुश रहूंगी। तो ये तस्वीर उस कुड़ी दियां ने जिसने अपने मापियां नू बिना दसे अपने प्रेमी दे नाल व्याह करवा लिया, फिर वीडियो बना के अपने मापियां नू सुनेहा भी भेज दिता, जिस दे विच कह रही है कि मैं अपने पति दे नाल बेहद खुश हाँ, तुसी भी खुश रहो। जेकर कोई मेरे पति नू नुकसान पहुंचाया ता मैं तुहाडे खिलाफ हो जावांगी। मामला मंडी दा है, कुड़ी दे घर दे व्याह नू नहीं मन्ने ता लड़की घरों भज के कोर्ट चली गई, जिथे उसने अपने प्रेमी दे नाल लव मैरिज करवा ली। मापियां नू बिना दसे ही कुड़ी दे वल्लों एक कदम चुकिया गया ता दूजे बन्ने मापियां ने भी अपनी धी दीआं सारीआं निशानियां नू अग लगा दित्ती, एक एक चीज नू अग हवाले कर दित्ता। अंतरजाती व्याह तो नाराज़ होए कुड़ी दे मापे। व्याह तो बाद कुड़ी ने पहला बयान दे दिता, व्हाट्सएप ते अपने मापियां नू तस्वीरां भी भेज दित्तियां, जिस तों बाद मापियां दे पैरां दे हेठों जमीन खिसक गई। तां हुण लड़की दे वल्लों वीडियो दे विच कहा जा रहा कि ओह अपने पति दे नाल बेहद खुश है। तस्वीरां दे विच उसने अपने पति दा भी फेस दिखा दिता कि मैं इस मुंडे दे नाल व्याह करवाया, तुसी कोई नुकसान पहुंचाउण दी सोचो भी ना, नहीं मैं तुहाडे खिलाफ हो जावांगी। मापियां नूं अंदाज़ा भी नहीं सी कि एक दिन उन्हां दी धी जिस नूं लाडा चावां दे नाल पालिया सी ओह अजिहा कदम चुकेगी, उन्हां दी मर्जी तों बिना व्याह करवा लवेगी। इंटरकास्ट व्याह इस लड़की दे वल्लों अपने प्रेमी दे नाल कोर्ट दे विच जा के करवाया गया। हालांकि मापियां ने इस नूं मनाउण दी कोशिश काफी कीती, पर इह लड़की अपने सहुरे घर ही रहने के लिए राजी है, जो इसने वीडियो दे विच कह दिता। मेरी साथ का चौबीस को अश्विन साहब ने बुलवाया, मेरी लड़की 15/7/2024 को किसी जाति अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति ने विवाह अपनी मर्जी से कर चुकी है, और हमने अश्विन को एक अर्जी दी थी जिसमें हम चौबीस सात चार को हम अश्विन सामने बुलवाया, और वहाँ अश्विन के सामने हमने बातें की और लड़की को मनाने की कोशिश की, और लड़की नहीं मानी, आने के लिए नहीं मानी, और हमने लड़की को कह दिया जो भी तेरी घर की निशानियाँ हैं हम घर जाकर उनको जला देंगे, और हमारा संबंध आपके साथ कोई संबंध नहीं है। और घर आकर हमने जो भी निशानियाँ लड़की की थी वो उसी दिन जलाकर राख कर दी है। और मेरी अपील सभी अभिभावकों से यही है कि जो भी अपने बच्चों का ख्याल रखें और भविष्य में ऐसा होने से बचाएं, कभी भी, और उनका देखभाल करें। एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार से यह मांग है कि विवाह जो भी विवाह हो रहे हैं अंदर जातियों के, और उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी शादी आप कोर्ट में हो रही है उसके माता पिता, दोनों तरफ के माता पिता हाजिर होने चाहिए, तभी विवाह संपूर्ण होना चाहिए। और कभी भी ऐसा हो तो बहुत खुश की बात होगी और विवाह भी अच्छे ढंग से होगा।